गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। अजय कुमार ने सीएबी बिल को लेकर कहा कि संघ का विधान देश के संविधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और गोरवलकर की नीतियों में देश को चलाना चाहती है। तमाम छोटे बड़े उद्योग, मेरठ का खेल उद्योग पूरी तरह तबाह है, किसान परेशान है, हताश है, निराश है, बुंदेलखंड का किसान आत्महत्या करने पर विवश है, गन्ना किसान लगभग 3500 करोड़ रुपए से अधिक का बकाए का दंश झेल रहा है, गन्ने का रेट 3 वर्षों में 1 रुपया बढ़ाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। जिस प्रदेश में पीसीएस की परीक्षाएं लीक हो जाती हों, पेपरें 50 से 60 लाख रुपए में बेचकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तमाम लोगों द्वारा, जहां नौजवान नौकरी पा रहा हो, सारी नौकरियां आज जो निकलती है वैकेंसी, वह सभी की परीक्षाएं लीक हो जाती है और बाद में